अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी एना जवाद। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का व्लॉग जो है वो है वॉलंटियर से रिलेटेड। सो आज जो है वो जवाद बना रहे हैं व्लॉग, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी जवाद और आज मैं आया हूँ रुवेश मॉल में, जहाँ पे एक इवेंट हो रहा है और मैं एज ए वॉलंटियर इसमें अटेंड करने आया हूँ। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा इवेंट है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड के वॉलंटियर क्या होता है और क्या काम करता है वॉलंटियर। वॉलंटियर इज समवन जो अपनी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है। इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम अ वॉलंटियर इन द UAE, आपको करना कुछ यूँ है कि आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे जो कि है volunteers.ae। वहाँ पे जाके आपको अपनी सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी होती है, आपका एमरेट्स ID, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट एंड देर आर सम क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने होते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और कुछ ही अर्से के बाद आपको अप्रूवल की मेल आ जाती है। अगर आप अप्रूवल रिसीव नहीं कर पाते हैं विदिन 1 month, तो उसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। रुवेश मॉल और यहाँ पे है जो इवेंट हो रहा है, इट्स कॉल्ड फन रन। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ टाइम से और अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम है, लोग पहुंचे नहीं हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं ऊपर आ गया हूँ देखने के लिए कि कैसे प्रिपरेशंस जा रही हैं। मैं आपको अपडेट रखता हूँ। हाँ जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो कि अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनकी तरफ से प्रिपरेशंस की जा रही हैं इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की जा रही हैं, जिनमें बच्चे जैसे ही आएंगे तो उनसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे रेस स्टार्ट होने से पहले। तो ये मैं आपको एक टूर दे देता हूँ कि जो रेस का एक रूट होगा जिस पे बच्चे भागेंगे, ये है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर बच्चों के लिए ये स्टार्ट लाइन होगी जहाँ से बच्चे स्टार्ट करेंगे और आई विल शो यू लेटर ऑन के कैसी जाती है रेस। और यहाँ पे मैं आ गया था बच्चों के एरिया में जहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं एंड द रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। और बच्चे बस आना शुरू हो गए हैं और अभी लाइन में लगना शुरू हो गए हैं पहली एक्टिविटी के लिए। Ready for the race right now? हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चों को ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो रेस है वो 3 laps पर मुश्तमिल होगी और बच्चों को भाग के 3 round लेने हैं और उसके बाद वो सीधे वापस नीचे चले जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे उनको उनके मेडल्स दिए जाएंगे। और इस रेस में तमाम के तमाम बच्चे ही विनर हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि रेस स्टार्ट होने लगी है, सो लेट्स वॉच। जी, तो आपको दिखाते हैं कि वॉलंटियर्स क्या काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉलंटियर अपनी ज़िम्मेदारी बड़े ही अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है और बच्चों को गाइड कर रहा है कि उनको किस रास्ते से मुड़ना है ताकि बच्चे महफूज रह सकें। वॉलंटियरिंग इज़ बेसिकली ऑल अबाउट केयर, दूसरों का ख्याल रखना और उनको जिस हद तक महफूज रख सकते हैं रखना, और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत पसंद है। और मैं बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह जब से UAE में आया हूँ 8-10 साल से, जहाँ मुझे मौका मिलता है वॉलंटियर्स ज़रूर करता हूँ। और ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें आप किसी की हेल्प कर सको, किसी की मदद कर सको और ख़ुदा न खास्ता किसी मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में आप वहाँ पर मौजूद जो मेडिकल का अमला है उसको इन्फॉर्म कर सको, तो इट्स ऑल अबाउट केयरिंग।
हाँ जी, तो इवेंट खत्म हो गया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ, और जाते जाते उन्होंने मुझे एक ये गुडी बैग दिया है, तो मैं देखता हूँ उसमें क्या है, बच्चों को दिखाएंगे जाके। आई होप कि आपको आज का ये इवेंट पसंद आया होगा। हाँ जी गाइस, तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और अब मैं बच्चों के लिए ले रहा था खाना। होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जाते जाते अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।